हेलो गाइस, वेलकम टू WHE। गाइस आज वीडियो में हम लोग बात करने वाले पांच ऐसे WWE सुपरस्टार्स के बारे में जिन्होंने काफ़ी समय पहले ही WWE में अपना डेब्यू किया था, लेकिन वो उसमें काफ़ी बड़े जॉबर लेकिन वो उसमें जॉबर्स थे लेकिन आज की बात करें तो आज वो मेन इवेंट स्टार बन चुके हैं। तो गाइस वीडियो हमने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर वन की बात करते हैं, नंबर वन पे आते हैं समोआ जो। तो समोआ जो ने जब साल 2014-15 के टाइम में NXT यानी WWE को ज्वाइन किया था, उससे पहले ही वो WWE में अपना डेब्यू कर चुके थे, लेकिन वो उसमें एक जॉबर सुपरस्टार थे इसलिए इस चीज़ को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। लेकिन बाद में वो जब TNA और ROH में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, उसके बाद उन्होंने अपना फिर से WWE में डेब्यू किया और वो उसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए और उन्होंने ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार के साथ भी फ्यूड की है। नंबर टू पर बात करो तो नंबर टू पर आते हैं जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस। तो डीन एम्ब्रोस ने साल 2012 के सर्वाइवर सीरीज में अपना डेब्यू किया था शील्ड के मेंबर के तौर पर, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही अपना WWE में डेब्यू किया था, लेकिन उन्होंने साल 2007 में ही WWE में डेब्यू किया था। WWE का हिट वाला एक शो था जिसमें उन्होंने अपना डेब्यू किया था और वो उसमें एक जॉबर सुपरस्टार थे और उसमें उनका जो हेयर कलर था वो पिंक हेयर कलर था, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर उनकी फोटो को भी देख सकते हैं, और वो उसमें एक जॉबर सुपरस्टार थे। लेकिन बाद में उन्होंने साल 2012 में अपना WWE में डेब्यू किया और उसके बाद तो आपको पता है कि वो कितने बड़े सुपरस्टार हैं और अभी जॉन मॉक्सली AEW में काम कर रहे हैं। नंबर थ्री पर बात करते हैं, नंबर थ्री पर आते जॉनी गार्गेनो। जॉनी गार्गेनो अभी NXT में है और NXT चैंपियन भी रह चुके हैं। जॉनी गार्गेनो ने भी साल 2007 के स्मैकडाउन के एपिसोड में अपीयरेंस किया था, उस समय वो एक जॉबर थे और वो MVP के साथ आया करते थे, लेकिन उसमें ये बात किसी ने भी गौर नहीं की थी। बाद में NXT को ज्वाइन करने के बाद वो NXT टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं और NXT चैंपियन भी वो बन चुके हैं और वो NXT में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और वो शायद जल्द ही मेन रोस्टर में भी आ जाएंगे। और नंबर फोर पर बात करते हैं, नंबर फोर पर आते टोमासो चैम्पा। तो टोमासो चैम्पा भी साल 2005-06 के समय में हमें दिख चुके हैं। टोमासो चैम्पा ने मोहम्मद हसन के लॉयर के करेक्टर में अपना डेब्यू किया था, जिस समय मोहम्मद हसन की फ्यूड अंडरटेकर के साथ चल रही थी, उसमें टोमासो चैम्पा ने अपना डेब्यू किया था, लेकिन उसमें वो एक रेसलर नहीं थे, उसमें उनका एक अलग करेक्टर था। उसके बाद उन्होंने फिर से कंपनी ज्वाइन किया उसके कुछ सालों बाद, और उसके बाद तो आपको पता है कि वो कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए और अभी के करंट NXT चैम्पियन भी है टोमासो चैम्पा। और नंबर फाइव की बात करते हैं, नंबर फाइव पर आते हैं एज। तो जब एज WCW में थे वो एक जॉबर सुपरस्टार थे, उनका नाम वहाँ पर था डेमोन स्ट्राइकर उनका वहाँ पर नाम था, लेकिन वो उसमें वहाँ पर एक जॉबर सुपरस्टार थे और उनको वहाँ पर ढंग से यूटिलाइज भी नहीं किया जाता था WCW में। उसके बाद उन्होंने WCW को छोड़ दिया और 1998 में उन्होंने WWE को ज्वाइन कर लिया और WWE को ज्वाइन करने के बाद तो आपको पता है कि एज कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। तो गाइस ये थे पांच सुपरस्टार जो जॉबर से मेन इवेंट सुपरस्टार बन चुके हैं, इनमें से किसका नाम आपको शौकीन लगा कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस वीडियो तक था, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल में सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।